Hey guys, good morning. तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो अभी इसराइल में मौसम कुछ इस तरह है, कभी धूप कभी छाव. तो लेट मी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो न्यू कमर्स है, जो न्यू आ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले मिलती है मतास, जो कि मैंने पहले ही बताया था. मतास, फिर उसके बाद वीजा ऑनलाइन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर का आता है. ये सायरन नहीं है, ये एम्बुलेंस की आवाज़ है. हमेशा मेरे दादी कन्फ्यूज हो जाते हैं इस आवाज़ से. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं बता रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर. सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट पेपर, तो जब आप इसराइल आते हो वहाँ से, इंडिया से, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलती है जिसमें कि इंफॉर्मेशन रहती है सारे एम्प्लॉयर्स की, मतलब सारे ने जिसके साथ आप काम करने वाला, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा कि आप उनका वेट कितना है, उनका हाइट, उनका लाइक क्या डिजीज है उनको, या फिर वो कहाँ रहते हैं, एंड ये सारी चीज़ें मेंशन होती है. आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन रहती है उस पर. एंड वेयर इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो हमें यहाँ आने के बाद मिलती है, जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. तो जब रजिस्ट्रेशन होती है तब हमें एक पेपर मिलता है, मतलब एक नहीं, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं हमारे, एंड हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी या फिर उन्हें क्या क्या मिलेगी, ये सारे चीज़ मेंशन रहते हैं. इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट पेपर बिटवीन टू पीपल्स. तो एक होता है जो हमें इसराइल आने से पहले मिलती है, जो वहीं पे मिलती है जहाँ पे होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये रहा, एक ही पेज का रहता है जिसमें से आप देख सकते हो, इसमें एज, हाइट, वेट, एजेंसी का नाम, ये सब कुछ मेंशन रहता है इसमें. हाँ, आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी लाइक लैंग्वेज उनको आती है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहती है. एंड वेयर एज आपका जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसमें आपका सैलरी, ये देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि एम्प्लॉयर का नेम, हाइट, वेट, कौन सी लैंग्वेज में बात करता है वो, हाँ ये सारी चीज़ें, उनका व्हीलचेयर है या नहीं, या फिर कितने रेसिडेंट्स है वहाँ पे, कितने लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी. बट वेयर एज हमें यहाँ पे आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है वो डिफरेंट होता है. वो कुछ इस तरह होता है, बहुत सारी पेजेस का होता है, एंड इस पे आपका लाइक मेरा सिग्नेचर भी है यहाँ पे. तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो है यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन मिलेगी कि आपकी सैलरी कितनी है, मतलब फिक्स होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले तो आपकी सैलरी फिक्स होती है कि आप कितने में काम करोगे. तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट पेपर, इसे रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं. रजिस्ट्रेशन पेपर भले ही कुछ दूसरा सा होता है, एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें नाम, दादी का आइडेंटिटी नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर, वो एक पेपर अलग से होता है, एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट पेपर. रजिस्ट्रेशन पेपर अलग से होता है, बट इसे भी रजिस्ट्रेशन जैसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा भी है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है. एंड इस पे लाइक बेसिकली क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ, लाइक वन बाय वन तो नहीं बता सकती हूँ, लंबा चला जाएगा वीडियो. बट इसमें हमारी सैलरी एंड हमारे लाइक राइट्स, हमारे क्या क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है. एंड ये आपको कौन देगा, ये आपको देगी आपकी एजेंसी. जब आप यहाँ आ जाओगे, इसराइल आ जाओगे, तब आपको मिलेगी. एंड लाइक मैंने पहले बताया टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर, एक तो आपको वहाँ मिलेगी, एंड वो वाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको यूज़ होगी वहीं पे इंडियन एम्बेसी पे, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी सबमिट करना होता है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ. तो वो सारी चीज़ें वहाँ चाहिए होगी. एंड ये जो है ये यहाँ चाहिए होगी. यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है. लाइक अगर कोई फैमिली होती है कि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चलते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर चलेंगे. यहाँ पे जो भी लिखा है, लाइक आपकी वेजेस कितनी है, आपकी लाइक रेस्ट टाइम कितनी है, सब कुछ इसके बेसिस पे होगा. लेकिन अगर आपकी फैमिली रूल एंड रेगुलेशंस नहीं मानती है, तो आपको फैसिलिटी तो मिलेगी, बट पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टू आवर्स का ही ऐसा लिखा होता है. लेकिन कभी कभी 2 आवर्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं, हमें 2.5 आवर लग सकते हैं. तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम हाफ आवर ज़्यादा यूज़ कर लिए हो, तो मतलब लाइक हाफ एन आवर का पैसा कटेगा, ऐसा नहीं होता है. कोई फैमिली रहती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, कोई नहीं रहती है. तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन है कि आपका लाइक आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी, फूड अलाउंस के बारे में है, एंड
फूड अलाउेंस के बारे में है एंड व्हाट टू डूज एंड डोंट, ये सारी चीज़ें भी है। एंड ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना जब भी आपके पास टाइम होगा। बेसिकली हम लोग तो नहीं पढ़ते, बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर देते हैं, क्योंकि लाइक एजेंसी पे ट्रस्ट है कि हाँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब कुछ जेन्युइन होगा, तो इस बेसिस पे हम लोग सिग्नेचर कर देते हैं। एंड यहाँ पे एम्प्लॉयर का सिग्नेचर एंड हमारा सिग्नेचर, दादी का आईडी नंबर और मेरा पासपोर्ट नंबर मेंशन रहता है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसमें जो जो चीज़ें मेंशन है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम तो नहीं होती है, लाइक जो जो भी मेंशन है सेम टू सेम तो नहीं होती है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सच होती है। जैसे कि शाबात, लाइक शाबात आपके कितने है, टू शाबात इन टू शाबात आउट, मतलब टू शाबात इन टू शाबात आउट का मतलब होता है वन मंथ में बेसिकली चार कभी कभी पांच फ्राइडे सैटरडे पड़ते हैं, जैसे कि हमारे वहाँ पे सैटरडे संडे होता है वैसे यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी मिलती है, तो वो आपका कितना है, आपका ओवर टाइम भी जिसे बोलते हैं या फिर शाबात भी बोलते हैं, इन आउट होता है, जैसे कि इन मतलब लाइक आप कितने शाबात कर रहे हो एंड कितने शाबात आप बाहर जा रहे हो, वो चीज़ें भी मेंशन रहती है इसमें। मेरा सब है तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो कितने शाबात इन है कितने शाबात आउट है वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है। एंड लाइक आपका छुट्टी से लेके एनुअल लीव, हाँ एनुअल लीव, एनुअल लीव विथ पे एनुअल लीव है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। एंड हॉलीडेज का भी आपको एक अलग से मिल जाता है कि 9 हॉलीडेज आपको मिलनी चाहिए, तो वो 9 हॉलीडेज का भी मिलता है। एंड यहाँ पे भी मेंशन है कि एम्प्लॉयर को, मतलब एम्प्लॉय जो हम है, हम के गिवर्स है, उनको 9 डेज हॉलीडेज विथ पे है। एंड रिक्यूपरेशन का भी मैंने बोला, वो तो बोनस में आ गए वो सारी चीज़ें, बट यहाँ पे मेंशन है वो चीज़ें 14 डेज विथ पे, मतलब लाइक पेड वेकेशन है जो भी है, तो वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। एंड और क्या क्या मेंशन है, हाँ और लाइक रेजिग्नेशन वगैरह, आपके कैसे रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन का मैं अलग से बना दूंगी कि कितने दिनों में रेजिग्नेशन देना होता है, क्या होता है रेजिग्नेशन का प्रोसेस, या फिर क्या उसमें भी ये पॉइंट भी लिखा हुआ है रेजिग्नेशन का। एंड लाइक पेंशन का भी लिखा हुआ है, पिच्चुम का भी लिखा हुआ है, लाइक पेंशन आपको कैसे मिलेगी आफ्टर द 7 मंथ, वो सब सारी चीज़ें मेंशन है। मैंने पढ़ा है, मैंने पहले भी पढ़ा था जब मैं पहले फर्स्ट टाइम आई थी इसराइल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आती हो तो आपको डर लगता है साइन करने में कि आप कहीं पे भी साइन ना कर दो, तो उस बेसिस पे मैंने, जब मैं पहले फर्स्ट दादी के वहाँ थी तो तब मैंने साइन किया हुआ था ऑलरेडी, तो लाइक ये मेरा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर है क्योंकि मेरा दूसरा दादी है। तो जब आप जिस जॉब पे आप जाओगे तो उस बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मिलेंगे, अगर आप काम चेंज करके दूसरी जगह जा रहे हो तो उसी बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलेगी, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सेम रहेगी, बस सैलरी एंड शाबात का चेंज रहेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया, शाबात इन एंड शाबात आउट, मतलब कितने शाबात आप कर रहे हो और कितने शाबात आप छुट्टी जा रहे हो, वो चीज़ मेंशन होगी और सैलरी का मेंशन होगा, बाकी तो और कुछ मेंशन नहीं होगा। एंड फूड का, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक अलग से पॉइंट लिखा हुआ है फूड का कि मुझे 200 अलाउंस मिलनी चाहिए, वो मैं दिखा दूंगी आपको शायद से, 200 फूड अलाउंस मिलना चाहिए, ये अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे तो लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि समझ में तो नहीं आएगा, लाइक समझ में तो नहीं आएगा, बट फिर भी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है, बट लाइक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हिब्रू में लिखा हुआ है, रुको मैं अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखो 200 खाली समझ में आएगा आप लोगों को, जहाँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 200 लिखा हुआ है, तो ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सब कुछ मेंशन होता है, तो इस बेसिस पे मुझे 200 शेकल तो मिलते हैं फूड अलाउंस, जो कि आपको भी पता है। तो यही था कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बारे में, एंड रेजिग्नेशन के बारे में मैं आपको अलग से बना के लाइक अलग वीडियो अपलोड करूंगी, तो सी यू गाइस, बाय।